EME Technology Mohali. आज की वीडियो में हम कोडिंग एडिटर में सिंपली विद और डेटाबेस मॉडल व्यू और कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको शो करूंगी. सो हम स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं. सबसे पहले जो हम ब्लॉग फॉलो कर रहे थे वहाँ से हम स्टडी करेंगे कि कंट्रोलर व्यू और मॉडल क्रिएट करने के लिए हम अपना कोडिंग एडिटर में कौन कौन सा कोड यूज़ करते हैं. जैसे कि सबसे पहले ये तो हमें पता है कि एक MVC फ्रेमवर्क है तो हमें मॉडल व्यू और कंट्रोलर इसके लिए क्रिएट करना ही पड़ेगा. तो कहाँ पर हमने फाइल्स रखनी है और किस तरह से उसके अंदर कोड इंसर्ट करना है वो सारा कुछ हमें ये ब्लॉग बहुत सिंपल वे से शो कर रहा है. दिस इज द बेस्ट ब्लॉग. आप कोई और ब्लॉग भी फॉलो कर सकते हो बट फॉर मी दिस इज बेस्ट. सो मैं इसी को फॉलो करूँगी और आई विल शो यू हाउ आई क्रिएट कंट्रोलर इन कोडिंग एडिटर. सो सबसे पहले जैसे कि क्रिएटिंग कंट्रोलर का ऑप्शन है तो हमें एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर्स नेम के फोल्डर के अंदर जाना है. जैसे इन्होंने बताया नाउ क्रिएटिंग यू फाइल अंडर द सेम पाथ एप्लीकेशन कंट्रोलर्स नेम्ड एज hello.php. ठीक है, तो मेरे पास ये जो कंट्रोलर का कोड है मैं यहाँ से इसको पहले तो कॉपी कर लेती हूँ. आप पाथ फॉलो करेंगे हम एप्लीकेशन कंट्रोलर्स. ठीक है, तो हम अपने कोडिंग एडिटर के बैकएंड फोल्डर पे मूव कर रहे हैं. जैसे कि ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया, इसके अंदर ही हमारा कंट्रोलर्स का ऑप्शन है. यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगी जिसका नाम हम रखेंगे hello.php. ठीक है, इसका नेम सेम ही होना चाहिए, आप चेंज कर सकते हो. जैसे hello.php पे जो हमने कोड रखना था अब हम इसको नोटपैड के साथ ओपन कर लेंगे. हाँ, मैं ये कोड यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी. इसमें जस्टली कुछ नहीं है, एक क्लास क्रिएट कर रखी है हमने हेलो नेम से जो एक्सटेंड कर रही है कोडिंग एडिटर के कंट्रोलर को. उसके अंदर एक पब्लिक फंक्शन चल रहा है जिसमें हमने हेलो वर्ड टाइप करवाया हुआ है. आप कुछ भी डेटा इसमें जस्ट फॉर इको करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये एक डेमो है जस्ट फॉर क्रिएटिंग द कंट्रोलर. ओके, तो मैंने ये कंट्रोलर का कोड जो है इसको .php की फाइल से सेव करना है तो ये मैंने सेव कर लिया हेलो वर्ल्ड. इसके अंदर मैंने कोई भी डेटा जैसे रैंडम डेटा इंसर्ट कर दिया हेलो वर्ल्ड हाउ यू. तो अब इसके बाद हम इसके लिए जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है hello.php का कंट्रोलर तो हमारा क्रिएट हो गया. उसके बाद हमें अगर हम इस नेक्स्ट जैसे उन्होंने हमें बताया कि आप अपने कंट्रोलर को कॉल करके देखिए. ठीक है, तो हमारे मैथड का जो नेम है वो हमें राइट करना है जैसे index.php कंट्रोलर नेम मैथड नेम. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कंट्रोलर का नेम है हेलो. तो हम एक बार ट्राई करते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं. तो मैं यहाँ पे हेलो लिख रही हूँ. हेलो की स्पेलिंग आई थिंक हमारे गलत है यहाँ पे. कोऑर्डिनेटर index.php हेलो. यहाँ पे हमें index.php ऐड करना है और उसके बाद जो हमने नेक्स्ट कंट्रोलर बनाया है उसको हम कॉल करने का ट्राई करेंगे. तो ये मेरा कंट्रोलर के अंदर जो डेटा था वो जस्ट डेमो डेटा है शो हो गया. मीन्स कि मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है और मैं उसको एसेस कर सकती हूँ उसका नेम लिखने से. जैसे कि हेलो मेरे कंट्रोलर का नेम था, मैंने index.php के बाद हेलो टाइप किया तो जो भी डेटा मैंने वहाँ पे शो किया हुआ था वो मेरा शो हो गया. मीन्स कि हमें कंफर्म हो गया कि हमारा एक कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है जिसको हम फर्दर यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस रहता है उसमें क्या है कि हेलो वर्ड तो हमारा टाइप हो गया जो भी हमने किया था. उसके बाद अगर आप इसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं जैसे कि पब्लिक फंक्शन है अबाउट. ठीक है, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है, सेम क्लास के अंदर हमने नेक्स्ट फंक्शन ले लिया है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. और उसके लिए जो हमारा मेथड है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हेलो यूज़ करूँ हेलो कॉल करवाऊँ तो सेम आएगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन का नेम बाय डिफॉल्ट टाइप कर लें तो हमें चेक करना है कि वो डेटा शो होता है कि नहीं. तो मैंने यहाँ पे अबाउट लिखा था लेकिन मेरा अबाउट का डेटा तो शो नहीं हुआ लेकिन हेलो का हो रहा है. ठीक है, तो उन्होंने हमें ये नेक्स्ट फंक्शन तो हमने चलो
अपना ऐड कर लिया है पब्लिक फंक्शन इंडेक्स के नेम से, तो मैं ये पूरा ही कोड यहाँ से उठा लेती हूँ। और नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट में हमें काम करना है, आपको इस तरह से उस मेथड को कॉल करवाना है, हेलो इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने कोड लिखा हुआ है उसमें हमारे पास दो फंक्शन कॉल हो चुके हैं। अगर मैं हेलो के बाद यहाँ पर अबाउट टाइप करूँ तो मेरे पास अबाउट अस का फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। मीन्स जो भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो अपने कंट्रोलर में, उसका नेम टाइप करने से आप उस फंक्शन को कॉल करवा के देख सकते हो, जस्ट फॉर चेकिंग, जस्ट फॉर श्योरिटी कि आपका फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। मीन्स फंक्शन का नेम यहाँ पे टाइप करने से जो भी आपने फंक्शन के अंदर डेमो कोड लिखा है वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप कंट्रोलर के अंदर जितने भी फंक्शन बना रहे हो, अगर तो वो आपने उनको अटैच किया हुआ है कि वन आफ्टर सेकेंड ऐसे चलना चाहिए, वो एक प्रोसीजर रहेगा कि आपने उनको कैसे लिंक किया। लेकिन अगर आपने वन बाय वन अपने फंक्शंस पहले चेक करने हैं कि वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं, तो आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आपने फंक्शन का नेम प्रोवाइड करवा दीजिए और जो भी आपने वहाँ पे कोड टाइप कर रखा होगा वो हमारा शो हो जाएगा, जिस तरह से हमने ये सिंपल एक कंट्रोलर क्रिएट किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।